बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ 452 पर, जहां हम आपको दुनिया भर से हैरतंगेज, ईमान अफरोज और सबक आमोज कहानियां सुनाते हैं जो दिल को छू लेती हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गहरी सोच पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे वाके के गिर्द घूमती है जिसमें कुदरत के इंसाफ का ऐसा मंजर पेश होता है जो आपको दम्बखुद कर देगा। क्या कभी आपने सोचा है कि जुल्म की कोई सजा हो सकती है, या फिर एक मामूली सी गलती किस तरह इंसान की तकदीर को बदल सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां एक किसान की लापरवाही और नादानी उसे इस मोड़ पर ले आती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये कहानी आपको अपने हर अमल पर गौर करने और कुदरत की तरफ से आने वाले इशारों को समझने की दावत देगी। ये एक ऐसा वाकया है जो हमें बताता है कि जब इंसान कुदरत की हदों को पार करता है तो इसका जवाब कैसा होता है। तो दोस्तों, आज की इस दास्तान में आप जानेंगे कि किस तरह एक छोटा सा वाकया एक बड़े सबक में बदल गया और किस तरह इंसान की नियत और अमल का जवाब कुदरत ने दिया। इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है जो आपकी सांसें रोक देगा। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हर लम्हा अहम है और हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत को खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तैयार हो जाएं इस सनसनीखेज दास्तान के लिए जो सिर्फ वॉइस ऑफ 452 पर। हजरत बाबा फरीद उद्दीन मसूद गंज शक्र की जिंदगी की कहानियों में कई वाकियात हैं जो उनकी करामात, दरवेशी और अल्लाह के साथ उनकी गहरी मोहब्बत की गवाही देते हैं। उनके फ्यूजो बरकात का चर्चा दूर दूर तक फैल चुका था और उनके मुरीद और अकीर्तमंद न सिर्फ दूर दराज इलाकों से उनकी खिदमत में हाजिर होते थे बल्कि हर तबके जिंदगी के लोग उनसे दुआएं लेने आते थे। बाबा फरीद की मोहब्बत और करम हमेशा उनके मुरीदों और आम लोगों के लिए रहता था और वो अल्लाह की राह में दूसरों की मदद को अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे। ये वाकिया बाबा फरीद की करामात से जुड़ा हुआ है। एक दिन बाबा फरीद की एक गाय, जो कि हमेशा की तरह चरागाह में चर रही थी, किसी किसान के खेत की तरफ निकल गई। ये किसान एक मेहनती और करीब आदमी था जिसकी सारी जिंदगी उसकी फसलों और खेती बाड़ी पर मुनहसिर थी। इसकी जमीन का हर इंच उसके लिए बहुत कीमती था क्योंकि ये उसके घराने के लिए खुराक और माली इस्तेहकाम का जरिया था। जब किसान ने देखा कि एक गाय उसके खेत में दाखिल हो गई है तो वो गुस्से से भड़क उठा। वो सोचने लगा कि ये गाय उसकी फसलों को बर्बाद कर देगी और इसकी सारी मेहनत जाय हो जाएगी। इस गुस्से में आकर किसान ने बगैर सोचे समझे एक लाठी उठाई और जोर से गाय पर मार दी। गाय ने तकलीफ में एक आह भरी और फौरन खेत से बाहर निकल गई। किसान ये देखकर मुतमिन हो गया कि गाय अब उसकी फसल से दूर चली गई है और उसे मजीद नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसने सोचा कि जो कुछ उसने किया वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसने सिर्फ अपनी फसल बचाने के लिए गाय को मारा था। वो अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गया और अपनी भैंस को देखने चला गया जो उसके घर के करीब बंधी हुई थी। लेकिन ये किसान के वहमोगुमान में भी नहीं था कि इसकी इस हरकत का क्या नतीजा निकलने वाला है। कुछ वक्त गुजरा तो किसान ने अपनी भैंस को गैरमामूली तौर पर खामोश और बेहिस पाया। उसे लगा कि भैंस बीमार हो गई है, लेकिन जब वो भैंस के करीब पहुंचा तो ये देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि भैंस मर चुकी थी। किसान के लिए ये एक शदीद धचका था क्योंकि भैंस उसके खानदान के लिए एक बड़ी नेमत थी। उसका दूध रोजमर्रा के अखराजात पूरे करता था और घर के बच्चों के लिए खुराक फराहम करता था। किसान का दिल बैठ गया। वो हैरानो परेशान सोचने लगा कि भैंस को क्या हुआ और क्यों मर गई।
इसकी जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगे, लेकिन अचानक उसके दिमाग में ये बात आई कि चंद घंटे पहले उसने बाबा फरीद की गाय को लाठी से मारा था। वो ये सोच कर कांप उठा कि शायद ये उसकी हरकत का ही बदला था। किसान को यकीन होने लगा कि इसकी भैंस की मौत कुदरत की तरफ से सजा थी। वो अपने दिल में शदीद नदामत और पशेमानी महसूस करने लगा। इसका दिल इस बात को मानने लगा कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ ज्यादती का बदला कुदरत खुद लेती है और इसकी ये सजा इसी ज्यादती का नतीजा थी। दिल में खौफ और नदामत लिए किसान ने बाबा फरीद की तरफ जाने का इरादा किया। वो अपने गुनाह का इकरार करने और माफी मांगने के लिए तेजी से हजरत बाबा फरीद की कानकाह की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसके दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहे कि बाबा फरीद उसके साथ क्या सुलूक करेंगे, क्या वो उसे माफ करेंगे या अल्लाह की नाराजगी इस पर मजीद बढ़ जाएगी। जब किसान कानकाह पहुंचा, तो वो हजरत बाबा फरीद को जिक्र में मशगूल पाया। बाबा फरीद का चेहरा हमेशा की तरह पर सुकून और नूरानी था। किसान की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने अपने कदमों को मजबूत किया और आहिस्ता आहिस्ता हजरत बाबा फरीद के करीब पहुंचा। जैसे ही वो बाबा फरीद के सामने पहुंचा, वो कांपते हुए उनके कदमों में गिर पड़ा और जारोकतार रोने लगा। किसान ने रोते हुए कहा, हजरत, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने गुस्से में आकर आपकी गाय को लाठी से मारा और अब मेरी अपनी भैंस मर गई है। मैं समझता हूँ कि ये मेरी सजा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हजरत बाबा फरीद ने किसान की हालत देखी और उसे शफ़क़त भरी निगाहों से देखा। उन्होंने किसान को उठाया और नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह के नेक बंदे किसी से बदला नहीं लेते, लेकिन अल्लाह की कुदरत कामिल है। जब कोई मासूम जानवर या इंसान पर जुल्म करता है, तो कुदरत अपना काम करती है। तुमने नादानी में गाय को मारा और अल्लाह ने तुम्हें उसका बदला दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में नदामत है और अल्लाह तौबा करने वालों को माफ कर देता है। किसान ने मजीद रोते हुए बाबा फरीद से दुआ की दरखास्त की कि अल्लाह उसे माफ कर दे और इस पर मजीद कोई आफत न आए। हजरत बाबा फरीद ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और अल्लाह से इसके लिए मगफिरत की दुआ की। हजरत बाबा फरीद की दुआ के बाद किसान के दिल का बोझ हल्का हो गया और उसने तहैया किया कि आइंदा कभी किसी जानदार के साथ जुल्म नहीं करेगा। इसके दिल में बाबा फरीद की अजमत और ज्यादा बढ़ गई और वो उनका मुखलिस अकीदतमंद बन गया। आखिरकार इस वाक्य ने एक बहुत बड़ा सबक दिया कि जुल्म और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। वो किसान जिसने नादानी में बाबा फरीद की गाय को मारा था, कुदरत के इंसाफ से नहीं बच सका। इसकी अपनी भैंस की मौत ने उसे ये एहसास दिलाया कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ ज्यादती या जुल्म कभी रायगा नहीं जाता। किसान ने अपनी गलती का एतराफ किया और हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होकर माफी मांगी। हजरत बाबा फरीद की दुआओं और अल्लाह की मेहरबानी से किसान को माफ कर दिया गया, लेकिन इसके दिल में ये सबक हमेशा के लिए नक्श हो गया कि हर अमल का नतीजा जरूर होता है और जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं, कुदरत हमें उसी का बदला देती है। यह वाकिया हमें यह सिखाता है कि दूसरों के साथ नेकी, सब्र और बर्दाश्त का बर्ताव करें, क्योंकि कुदरत के कवानीन अटल हैं और अल्लाह की अदालत में सब कुछ सामने आ जाता है। इस कहानी का पैगाम वाज़े है कि हमें हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता और हर जुल्म का एक अंजाम होता है।